नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में एक सीरीज में कई लेक्चर अपलोड किए गए थे, जिससे उसकी ऐतिहासिक व्यवस्थाओं के साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट किया गया था। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल सेलेक्ट किए गए हैं जिसे हम लोग मिलकर हल करते हैं, और इससे आपकी न केवल तैयारी बढ़ेगी बल्कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में जितने भी बहुआयामी प्रश्न बन सकते हैं उस पर आपकी एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित होगी, जिससे आपको परीक्षा में सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसे निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। निलंबित करने की शक्ति का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात कही गई है। तो यहाँ पर हम लोग पहले संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं कि जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लागू होती है तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 358 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन यदि इससे अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करना हो तो इसकी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, और राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को निलंबित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह विकल्प भी गलत हो जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में सभी मौलिक अधिकार आ जाएंगे। 19 भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इसी तरीके से 21 को नहीं किया जा सकता, यह भी विकल्प गलत होगा। अतः अनुच्छेद 21A इसी विकल्प को सही माना जा सकता है। यद्यपि इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं वो बहुत ही बारीकियां हैं, बहुत ही नज़दीकी मामले हैं, तो इसे बहुत ही सावधानी से हल करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो विकल्प नज़दीकी बनता है वो विकल्प सी है। इसी तरीके से हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा समर्थन किया गया है। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। अतः विकल्प ए सही है। अन्य तीनों ही मौलिक अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942, ये सभी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए गए थे, जो भारतीयों को किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार देने का समर्थन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है, जो कि विकल्प डी के रूप में आता है। ये विकल्प सही होगा क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं का तात्पर्य है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। इसमें जब हम लोग चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकार की विशेषताओं में, तो इसमें हमने बताया था परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि न्यायालय में जाकर इस अधिकार को लागू कराया जा सकता है, और जब व्यक्ति इसे लागू करने के लिए न्यायालय में अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत जाता है तो 32(2) के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, और जब रिट जारी की जाती है और व्यक्ति के द्वारा न्यायालय का शरण लिया जाता है तो वहां पर वाद बनता है, इसलिए यह है वाद योग्य की श्रेणी में आती। विकल्प ए सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, ये सही है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं। ये जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है लोकतंत्र के अंतर्गत तो है, लेकिन यह नीति निदेशक तत्वों के द्वारा स्थापित किया जाता है, अतः ये विकल्प गलत है। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये हैं
अधिकारों की बिल्कुल ही भांति हैं, इसीलिए यहाँ नहीं होने की वजह से ये भी वाक्य गलत है और ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, यानी कि व्यक्ति को राज्य के किसी कार्य के विरुद्ध गारंटी दिया जाता है। अगर कोई भी राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय का शरण ले सकता है, अर्थात ये भी वाक्य सही है। अर्थात हम ऐसे प्रश्न के उत्तर में जाएंगे जहाँ पर एक और दो दोनों सही है, विकल्प ए जो है इसका सही होगा क्योंकि इसमें एक और दो दोनों वाक्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण लगाने का तात्पर्य है कि इस सवाल का उत्तर अनुच्छेद 14 होगा, विकल्प ए होगा, क्योंकि 15 में भेदभाव का अंत किया गया है, 16 में सेवाओं के संदर्भ में बात कही गई है और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, 14 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी राज्य के द्वारा कानून बनाए जाएंगे वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 14 होगा। और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? आपको जानकारी होगा 6 प्रकार के जो अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं, और पहला अधिकार समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, तो अनुच्छेद 14, 15, 16 यानी कि 2, 3 और 4 विकल्प संख्या सी इसमें सही है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया गया जिसमें समानता के सिद्धांत का या समानता के अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है, ये 14 से 18 के बीच होने के कारण से वाक्य एक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13 है। जब हम पहले लेक्चर में इस पर बात कर रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था पृथक्करण का सिद्धांत, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है यदि मौलिक अधिकार और संविधान के प्रावधानों से वह टकराव की स्थिति में आता है यह असंगत होता है तो उस भाग को पृथक कर दिया जाता है और शेष भाग वैध होता है, इसे पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। और यह संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता, विकल्प ए इस आधार पर सही होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मद्रास राज्य बनाम दौराराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 15 के माध्यम से भेदभाव को अंत कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 1951 ईस्वी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान की बात कही गई थी जिसे के माध्यम से अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया था, अर्थात यहाँ पर विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो स्वतः अस्पृश्यता के अंत के संदर्भ में विकल्प डी इसका उत्तर होगा क्योंकि 20 में दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार और 18 में उपाधियों का अंत किया गया, अर्थात विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 1 और 1 के अंतर्गत दिया गया है, यह पढ़ाते समय भी हमने लेक्चर में इस पर चर्चा किया हुआ था, और इसमें जो भी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने वाले कई आयाम हैं जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है और भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी को इसमें शामिल किया गया, अर्थात विकल्प ए इसमें सही होगा। कौन सा विकल्प इसमें सही माना गया है? तो अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978 ईस्वी में न्यायालय के द्वारा इसे इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है, अर्थात यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(d) को हमें समझना होगा कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, और अनुच्छेद 21 व्यक्ति की गरिमा के संदर्भ में बात करता है, व्यक्ति के मूल्यों के संदर्भ में बात करता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करता है, तो यहाँ पर व्यक्ति के मूल्य और गरिमा तथा 19(1)(d) में भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो कि विदेश यात्रा के संदर्भ में इसका सही उत्तर बनता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा।
हम लोग अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। यहाँ पर ये प्रश्न वाक्य गलत होगा क्योंकि 300 का में है, पूर्व में हमें बताया गया है और इसे 301 का के अंतर्गत विधि का अधिकार प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ये पूर्णतया सही है क्योंकि विधि का अधिकार भी बता दिया और दूसरे खंड में बता रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं। दोनों ही वाक्यांश पूरे वाक्य के अर्थ को सार्थक दिशा में ले जाते हैं, अर्थात दूसरा वाक्य सही है। और तीसरा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का, ये तो बात सही है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदला गया, ये भी सही है, लेकिन केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनाई गई थी, तो इसलिए ये कूट में केवल वाक्य 2 इसमें सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। 32 के अंतर्गत इसका सही उत्तर विकल्प बी यानी कि मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। हालांकि रिट 226 के अंतर्गत भी जारी किया जा सकता है, लेकिन यह उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी जारी किया जाता है, अतः यहाँ पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत विकल्प बी यहाँ पर उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है। इसमें बिना किसी सोचे समझे आप विकल्प सी को अर्थात उच्चतम न्यायालय को इसमें उत्तर के रूप में लगाएंगे। इसको हम जब पूर्व में लेक्चर में इसे स्पष्ट किए थे और यहाँ पर इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 32 होगा। और यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक और सवाल बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तावना को दिया जाता है। तो इस तरीके से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जब पूछा जाएगा तो भारतीय संविधान की आत्मा होगा, और जब बिना किसी विचारक के द्वारा पूछा जाएगा तो प्रस्तावना होगा। हम इसी से मिलता जुलता दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जिससे इस प्रश्न और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा व्यक्त किए विचार के एक नए आयाम को इसमें सीखने का मौका मिलेगा, तो हम उस पर विचार करते हैं। कथन ये है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा। ये पिछले वाले प्रश्न से भी स्पष्ट होता है, अर्थात वाक्य ये पूरी तरीके से सही है। अब इसमें हम कारण खोजेंगे क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार की व्यवस्था करता है, अर्थात वाक्य एक सही है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य के स्पष्टीकरण को भी पूरी तरीके से स्पष्ट करता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। दोनों सही भी हैं और स्पष्टीकरण भी यहाँ पर देता है। हम आगे सवाल पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इस तरीके के सवाल निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि अनुच्छेदों से संबंधित 2 सवाल प्रत्येक परीक्षा में सिविल सर्विसेज के और अन्य सभी TGT PGT या इसी तरीके से नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में सामान्यतया पूछा जाता है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में चर्चा कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को देखने का प्रयास करते हैं। इसमें उपाधियों का अंत पूरी तरीके से अनुच्छेद 18, इसमें बिना किसी सोचे समझे आप इसका उत्तर लगाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता 25 से 28 यानी कि इसमें विकल्प 26 दिया हुआ, अर्थात ये होगा। और शेष जो भाषा के संदर्भ में है और बचा हुआ अनुच्छेद हो जाएगा, अर्थात इसमें हम लोग देखेंगे कि 3, 4, 1, 2 यानी कि विकल्प संख्या डी इसका सही होगा। इसमें परीक्षा में ऐसे सवालों को हल करने में अगर समय आपको बचाना है तो सबसे पहले इस तरीके से मिलान कर लीजिए और क्रम से इन मिलानों में कौन कौन से नंबर पर वह विकल्प जा रहा है उसी को हम मिलान कर लेते हैं। जैसे अगर इसी सवाल को हल करना है तो इसमें पहले वाले वाक्य को 3 से मिलान, दूसरे को 4 से मिलान, अर्थात हम एक इधर से अगर देखेंगे बाएं से दाएं के क्रम में तो वही विकल्प सही होगा जिसमें पहला 3 हो और दूसरा 4 हो। तो इसमें पहला 3 यहाँ पर भी एक ए में भी है और डी में भी है,
तो हम अगले वाले पे बढ़ेंगे और अगले में देखेंगे कि चार, तीन के साथ चार किस्में हैं, डी में है, तो अर्थात ये विकल्प पुनः अपने आप में सही हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करने का यही तरीका है कि मिलान करके हम उसी के क्रम में बाएं से दाएं की तरफ वाक्य को खोजने का प्रयास करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिपादन किसमें किया, आपको ये जानकारी होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर मैंने पूर्व में एक लेक्चर लिया हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल रहा है, आप उसे बेहतर ढंग से और पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि संविधान के कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिसमें संसद के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संसद पूरे संविधान में मौलिक अधिकार सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है जिससे संविधान की मूलभूत विशेषताएं या संविधान की मूलभूत बातें, संविधान की आत्मा प्रभावित हो। तो यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में दिया गया है, अक्सर यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए यहां पर शामिल किया गया है, आपके आयामों को बहुआयामी बनाने का प्रयास किया गया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। बेसिकली 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में इसे समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत यह एक विधिक अधिकार है। विकल्प संख्या सी यहाँ पर एकदम पूर्णतया सही है। अब यह फंडामेंटल राइट नहीं है, अब यह एक विधिक अधिकार के रूप में दर्जा प्राप्त है। हम अब अगले सवाल की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उसे नागरिकों को और अन्य सभी लोगों को दो भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि कुल मिलाकर पांच प्रकार के ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे भारतीय संविधान के द्वारा अन्य सभी लोगों को नहीं दिया गया है, केवल यह नागरिकों को प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में हम इसमें खोजेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन नहीं दिया गया है, अर्थात इस विकल्प इन अनुच्छेदों से अलावा, इन अनुच्छेदों के अलावा जो भी है उसी को इसका उत्तर दिया जाएगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार 19 के अंतर्गत है, लिंग समानता का अधिकार इसी तरीके से भेदभाव को समाप्त करके 15 में शामिल किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है, और सूचना का अधिकार। तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। यहाँ पर यह सवाल जो है, जो विकल्प में भी बताया गया है उसके अनुसार से यहाँ पर सूचना का अधिकार इसका उत्तर बनता है, क्योंकि यह 2005 ईस्वी में पारित किया गया है और एक विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। यहाँ पे जो अनुच्छेदों की चर्चा की गई है उस अनुच्छेदों से संबंधित अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ये जो व्याख्या मैंने अभी किया ये इस सवाल से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें विधि के समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में है, और अन्य सभी प्रावधान जो भेदभाव के विरुद्ध अनुच्छेद 15, स्वतंत्रता 19, सांस्कृतिक और शैक्षणिक 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात विधि के समक्ष समानता, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। इसी तरीके से हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ब्रिटिश नागरिक यहाँ पर भी ये इसी सवाल की व्याख्या से संबंधित है। ब्रिटिश नागरिक होगा तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, अर्थात वह 15, 16, 19 और 29 नहीं प्राप्त कर सकता है। इसमें जो भी विकल्प इन अनुच्छेदों से संबंधित है वही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि वह इसका दावा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि व्यापार और
व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, 14 में है। जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, तो प्राण और दैहिक जिसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 21 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर केवल यही है व्यापार की स्वतंत्रता, जो कि 19 के अंतर्गत आता है, जो कि इस अनुच्छेद के 5 अनुच्छेदों में से एक का शामिल करता, अन्य सभी बाहर हैं, अर्थात इसी को दावा नहीं कर सकता, अर्थात इसका सही उत्तर यही होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है आवास का अधिकार, चमेली देवी 1996 ईस्वी में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, और विदेश यात्रा का अधिकार, इसे भी सतवंत सिंह, विदेश अधिकार का दर्जा भी दिया गया है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर 1957 के केस में। तो ये दोनों ही अधिकार इसमें शामिल हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन पर चर्चा किया गया है, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया, अर्थात ऐसा विकल्प जिसमें विकल्प वाक्य 1 और 2 शामिल है, अर्थात विकल्प ए इसमें सही होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्त स्वातंत्र का उल्लंघन होगा, सही है। अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से आचरण प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया। यहाँ पर एक चीज़ को समझ लेना आवश्यक है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो विधिक कानून होता है, संविधान में जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो संवैधानिक होती हैं, और जो संसद बनाता है वो विधिक होती हैं, और इन दोनों के अतिरिक्त जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो संविधानेतर होती हैं। सामान्यतः सरकार के द्वारा इसके बारे में बनाया जाता है। वर्तमान समय में 2 लोकप्रिय जो संगठन हैं, निकाय हैं, एक तो नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और इसी तरीके से अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, जिसे 6 अगस्त 1952 ईस्वी को गठित किया गया था। ये दोनों ही इस तरीके की संस्थाएं आती हैं, अर्थात इसमें विकल्प सी उत्तर सही होगा, तीनों ही वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके साथ पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन परिभाषित होता है। तो समानता की जो बात है वो अनुच्छेद 14 में है, और सेवा और वेतन पाने की बात अनुच्छेद 16 में है। तो इस तरीके से इस सवाल का उत्तर अनुच्छेद 14 और 16 होगा, जिसका उत्तर डी है। इसी तरीके से हम लोग अगले सवाल को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसमें सम्मिलित करता है। पूर्व के लेक्चर में हमने इसको स्पष्ट कर दिया है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैन, बौद्ध और सिखों को शामिल किया जाता है, विकल्प सी यानी कि पारसी इसमें होगा, जो कि नहीं पूछा है, अर्थात ये होगा। ध्यान रखिए इसमें नहीं और है में काफ़ी समस्याएँ होती, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगले सवाल की तरफ हम इसी के साथ बढ़ते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्राप्त करता है। जब हम संवैधानिक प्रावधानों का चर्चा कर रहे थे तो अनुच्छेद 20 में यह स्पष्ट कहा गया था कि दोष सिद्ध के संदर्भ में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 20 के 2 खंड में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अतः इस सवाल का सही उत्तर अनुच्छेद 20 को माना जाएगा। इसी तरीके से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि की जो है स्थापित प्रक्रिया, 2 व्यवस्थाएं होती हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया एक ही है, जिसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978 ईस्वी में पास किया गया था, और इस पर न्यायालय के द्वारा इस तरीके के विचार किया गया था, अर्थात विकल्प सी अनुच्छेद 21 सही होगा, जिसका कि वर्णन विकल्प सी के अंतर्गत किया गया है, और यहीं पर न्यायालय के द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया का आधार लेते हुए उसके आधार पर जो भी प्रावधान थे, जो भी केसेस थे, उसका निर्वचन करते हुए मेनका गांधी के मामले में निर्णय दिया था। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था, कई बार सवाल परीक्षा में पूछा गया है, और इसका उत्तर सही विकल्प बी यानी कि 1976 में होगा। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भूतलक्षी प्रभाव के माध्यम से, जिसका की चर्चा हमने लेक्चर में कर लिया है, यहाँ पर बार बार इसका चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है, उचित नहीं है, और ये 1975 ईस्वी से लागू किया गया था, पारित 1976 से किया गया था, लेकिन लागू 1975 ईस्वी से किया गया था, ध्यान में रखने की बात है।
अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था भारत के संविधान के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत इसका जो प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी संकटजन्य स्थिति में नियोजित नहीं किया जा सकता। हालांकि 2016 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अब जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कहीं पर भी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहीं पर भी नियोजित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह विकल्प सही है, विकल्प बी भी पूरी तरीके से सही है, विकल्प सी चार्टर के द्वारा भी इसमें शामिल किया गया, इसका उत्तर विकल्प डी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज मौलिक अधिकार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संकलन को यहाँ पर सॉल्व किया। अगले टॉपिक में हम इसी तरीके से नीति निदेशक तत्वों पर आधारित जो भी सवाल होंगे उस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों की एक बहुआयामी समझ को जो है विकसित करने में ये क्वेश्चन के सॉल्व आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज यहाँ पर पूरा हुआ। पुनः अगले क्लास में हम लोग एक नए तरीके से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।